बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर आरिफ इज़ हेयर और क्लास 9th बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑर्गन लेवल। हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट में हमारी डिस्कशन शायद ऑर्गन तक हुई थी, तो नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से ऑर्गन्स जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये जो है वो आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें फिर यूरिनरी सिस्टम है, इंटेगोमेंट्री सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, सो दैट मीन सिस्टम बनते कैसे हैं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन कलेक्टिवली फॉर्म अ सिस्टम विच विल बी नोन एज ए ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और फिर उस लेवल को आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें जितने भी ऑर्गन आते हैं ना, उनका रिलेटेड फंक्शन होता है और कलेक्टिवली फिर वो अपना एक उस सिस्टम का फंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे निज़ाम इन्हज़ाम भी आप कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो नंबर वन ओरल कैविटी, ठीक है, फिर अगर आप देखें तो उसमें स्टमक है, ठीक है, फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके साथ लार्ज इंटेस्टाइन, और इससे रेलेवेंट कुछ ग्लैंड्स भी हैं, जैसे कि आप देखें पैंक्रियास, देन लीवर, ये सारे इसमें। अब इनका सबका जो ताल्लुक है ना वो हमारी फूड से, ठीक है, हमारे खाने पीने से है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ओरल कैविटी का जो फंक्शन है ये होता है फूड को सिलेक्ट करना। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करती है, बाय टेस्ट, बाय सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, और उसके साथ नज़ल कैविटी बाय स्मेल, तो खुराक को सिलेक्ट करेगी। आप देखिए ना, खुराक कोई भी हमारे फूड का हिस्सा है जो ख़राब हो चुका है, आप उसे नहीं खाते, आपको कैसे पता कि आपने नहीं खाना, आपकी ओरल कैविटी बताती है आपको, उसके ज़रिए आप किसी चीज़ को सुनते हैं और आप कहते हैं कि ये ख़राब है, मैंने नहीं खानी, ठीक है, ये ख़राब है, इसको फेंक दें। आप कुछ चीज़ खाते हैं, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप उसको फेंक देते हैं, तो ओरल कैविटी फूड को सिलेक्शन कर रही होती है। स्टमक अगर आप देखें तो खुराक को डाइजेस्ट करता है, इसमें बहुत से एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, फिर स्टमक की वाल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, तो उससे फूड की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो खुराक की डाइजेशन कर रहे होते हैं, और इसमें खुराक की एब्जॉर्प्शन भी होती है, दैट मीन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर ब्लड फ्रॉम अ डाइजेस्टिव ट्रैक। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी बहुत सी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, स्पेसिफिकली वाटर एंड सम अदर विटामिंस, और ये जो वेस्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट उसको भी ये स्टोर करती है, बाद में डेफिकेशन होती है। ठीक है, पैंक्रियाज अगर आप देखें, वैसे तो ये और भी बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है, बट इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स पैंक्रियाटिक जूस। एक्चुअली इट्स पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम जो है वो खुराक की डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह देखें लीवर, लीवर एक बहुत बड़ा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और फिर उसके साथ साथ एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, ज़्यादातर ये एक्सोक्राइन में कंसिडर किया जाता है। अब इसमें एक प्रोडक्ट है इसकी बाइल, तो बाइल के अंदर बहुत से साल्ट्स वगैरह होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी और पीएच वगैरह को मेंटेन करते हैं, ओवरऑल डाइजेशन में ही ये भी इन्वॉल्व होते हैं, इसकी सेक्रेशन भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आ रही होती है बाय मीन्स ऑफ बाइल
डक्ट, ठीक है। इसमें आपने कभी सुना हो पित्ता या गाल ब्लैडर इन इंग्लिश। गाल ब्लैडर लीवर के साथ ही होता है, और लीवर अपनी सारी सिक्रेशन उसमें डालता है, वहां से फिर चीजें जो है वो आ रही होती है, ठीक है। तो ये सारी हमारा एक कलेक्टिवली एक सिस्टम बनता है जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी फूड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने ज़्यादा ऑर्गन है। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट पन, अगर आप देखें एज एन एग्जाम्पल, तो हमने आप ले लें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो इसमें जो चीजें आती है, नंबर वन आप देखें हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, इसने खून को पंप करना होता है। सेकंड इसमें आता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स में आप देखें तो इसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है, ये सारे इसके हमारी कंपोनेंट। तो ये पूरा है क्या बनता है आपके पास, एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाता है। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट हमारे जो लेवल है, सॉरी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है नर्वस सिस्टम को आप देख लें। नर्वस सिस्टम में हमारे जो आते हैं पार्ट, उसमें देखिए मेजर ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और देन नर्व, जो पूरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही होती हैं, फैली होती है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह बॉडी के अंदर और भी बहुत से सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यूरिनरी सिस्टम, नेक्स्ट अगर आप देखें तो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में अगर आप ऑर्गन देखें तो इसमें देखें बेटा नंबर वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, उसके बाद आप देखें यूरेटर, फिर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इससे हम मसाना भी कहते हैं, ठीक है, फिर यूरिथ्रा। तो ये सारा क्या है, यूरिनरी सिस्टम हमारा, ठीक है। इसी तरह आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप इसके ऑर्गन्स की अगर आप बात करेंगे तो ट्रेकिया, ठीक है, फिर लेरेंक्स भी आता है और देन लंग्स, और भी बहुत से आते हैं, ब्रोनकाई, ब्रोनिक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सिस्टम है, इसे आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इसके अंदर बहुत से ऑर्गन जो है वो कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन ऑर्गन का फंक्शन जो है वो रिलेट करता होगा और कलेक्टिवली फिर वो उसी सिस्टम का काम होगा। जैसे कि आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, गैस एक्सचेंज। तो इसमें जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं ना, उनका तल्ले गैसेस से ही होगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल गैसेस जहाँ से हम एक्सचेंज करते हैं वो क्या है, एयर। एयर इज कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो वहां से हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेटा क्या है, हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है, मतलब पूरा जानदार। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, विद द असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल विल बी फॉर्म। कीप इन माइंड मैंने आपको पीछे कहा था कि ये लेवल हम एक मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बहुत से ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो एक मुकम्मल जानदार बनेगा, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। आप देखें इसकी सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, सारी एक्टिविटीज अपने होंगी, जितने सिस्टम काम कर रहे होते हैं वो सारे इसके अपने होंगे, इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स होंगे,
ठीक है, अपने इसके खास होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इंसान को देख लेना, तो एक जानदार है, उसकी अपनी हाइट है, स्किन कलर है, जहानत है, बाकी भी मॉर्फोलॉजी उसकी, तो ये अपने करेक्टरिस्टिक्स रखता होगा। इसी तरह आउट ऑफ स्पीशीज आप चले जाएं तो उनमें अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक मुकम्मल जानदार अपनी तमाम एक्टिविटीज, तमाम करेक्टरिस्टिक्स उसके अपने ही होंगे, ठीक है। ये है, और इसमें देखें उसकी लाइफ रन कैसे कर रही है। रन इस तरह से कर रही है कि देखें उसमें जितने भी सिस्टम है ना, वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से रابطे में रह के काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम जो है वो अलग से काम कर रहा है और दूसरा सिस्टम जो है वो अलग से काम कर रहा है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ मिलके सारा जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर कोई इंसान जो है वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, या आप यूँ समझे कि वो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो उसके दौड़ लगाने में क्या है, आप देखें एक तो उसके मसल्स काम कर रहे हैं, टांगों के मसल्स काम कर रहे हैं ना, जिसकी मदद से वो भाग रहा है। अब उस मसल्स के काम करने के साथ साथ उसकी हार्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, फिर उसके बाकी रिसेप्टर भी काम कर रहे हैं, यानी वो अपने ट्रैक को देखते हुए भाग रहा है, तो उसके आईज काम कर रही हैं, ठीक है। हार्ट तेजी से पंप करता है, क्यों वो तेजी से पंप कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मसल जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उसमें जो वेस्ट बन रहा है वो भी ज्यादा बॉडी से रिमूव करवाना है, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ से जाएगी, वो ब्लड, तो ब्लड की सर्कुलेशन कौन करवा रहा है, हार्ट। हार्ट तेजी के साथ पंप करेगा, ठीक है, तो वो ब्लड ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, और ब्लड के अंदर जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी उसको वापस लंग्स में भी पहुंचाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है। नॉर्मल रूटीन में आप एक रिलैक्स होकर आराम से सांस ले रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ रनिंग योर ब्रीथिंग सिस्टम विल बी अ फास्ट, वो ज्यादा तेजी से काम करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखें आप ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आपकी गैस एक्सचेंज तेजी के साथ होनी चाहिए। इसी तरह जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम की जा रही है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बन रही है, तो उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो रही है, तो उसको भी निकालना है, तो वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, तो ये काम करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सिस्टम है वो कलेक्टिवली क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हुए अपना सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। सो ये हमारा ऑर्गन एक मुकम्मल जानदार जो है वो बन गया। आप देखें हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, तो हमने स्टार्ट किया था सबसे प्रीवियस, यानी नथिंग फ्रॉम, हमने किया था सब एटॉमिक लेवल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे हमने बनाए एटम्स, यानी कि बायो एलिमेंट्स, ये हमने बनाए थे, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हमने बनाए बायो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर क्या बने, ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के बाद क्या हमारे पास बने थे, सेल, तो यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये नॉन लिविंग है, हम स्टेजेस से गुजरते कि हमने सेल बना दिया। अब सेल से आगे फिर हमने कहाँ पे देखा, हमने टिश्यू बनाए, टिश्यू से आगे फिर हम ऑर्गन पे गए, ऑर्गन से आगे फिर हमने बात की ऑर्गन सिस्टम की, फिर एटलीस्ट हमने एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है ना। होपफुली कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक जानदार के मराहल कौन कौन से हैं, किस तरह से ये जानदार बनाया गया है, किन किन प्रोसेस से ये गुजरा होगा। इसमें अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना तो एवोल्यूशन की बुक्स पढ़िएगा, वो भी आपको बहुत कुछ बताएंगे कि किस तरह से जानदार बनाया गया। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 डेज के अंदर अंदर बनाया, तो वो ऐसे ही नहीं बन गया, 6 दिन ये नहीं है जो हमारे हैं। बास राइटर ने लिखा है कि वो नूरी साल है, जिसमें जो है वो शायद एक दिन 50,000 साल का इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, तो वो वाले साल है, 50 हमारे 50,000 साल होंगे, ठीक है, तो वो वाले दिन थे, ठीक है, उनके अंदर एवोल्यूशन ही, तब ये सारी प्लानिंग की जा रही थी कि
कि किस तरह से सारा कुछ जो ये बनाया जा रहा था, ठीक है। बट बीइंग अ मुस्लिम रिलीजियस, हमें पता है कि हम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे बनाया था, और मट्टी से बनाया, फिर पानी से बनाया, फिर हवा से बनाया, ठीक है, और फिर इसके अंदर रूह जो है वो फूंकी फूंकी गई। तो इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई, बट ये ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो कुरान पाक में बड़ा वाज़ह है कि वी आर ऑल द प्रोजेनी ऑफ आदम, यानी हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम वहाँ से ही प्रोड्यूस किए गए, ठीक है। सो फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट और नॉलेज, आपको ये पढ़ना है, आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे, आगे हमारे जो कुछ लेवल हैं कि एक इंडिविजुअल से बढ़ के क्या है, फिर वो स्पीशीज लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है, और उसके बाद कम्युनिटी लेवल है, ठीक है। यहाँ तक हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंशाल्लाह कमल हो जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।